हाय गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीएचपी देखेंगे, पीएचपी का एक स्ट्रक्चर देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या एक पीएचपी फाइल में हो सकता है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक है तो है आपका, ये आपको दिखाई देगा और उसके बाद आप पीएचपी कोर्स लिखते हैं, देन ये आपको दिखाई देगा। ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली, हालांकि इन तीनों चीज़ों में ही बहुत सारा चीज़ है, बट फिर भी फिलहाल के लिए ये तीन चीज़ें हैं। सबसे ऊपर में जो आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं ओपनिंग मार्कअप, या फिर आप कह सकते हैं ओपनिंग टैग, या फिर ओपनिंग स्क्रिप्ट ऑफ पीएचपी, ऐसा भी कह सकते हैं। और नीचे जो दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं क्लोजिंग मार्कअप, या फिर क्लोजिंग टैग, या फिर क्लोजिंग पीएचपी स्क्रिप्ट। ओके, ये आपको ये है लेस देन क्वेश्चन मार्क देन पीएचपी आपको लिखना है, और ये क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन लिखना है, ठीक है। और इसके बीच में जो भी आप कोड लिखते हैं उसे कहते हैं पीएचपी का कोड, ठीक है। जब ब्राउज़र जब इस चीज़ को देखता है, यानी कि ये लाइन जब रीड करेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ से जो है पीएचपी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसका एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, सर्वर साइड पे होगा। एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने ये एक पीएचपी का कोड लिखा हुआ है, जिसमें कि ये ऊपर वाला जो है हमारा क्या है, ओपनिंग मार्कअप है, और नीचे वाला हमारा क्लोजिंग मार्कअप है, और ये कोड हम लोगों ने पीएचपी का कोड लिखा हुआ। ये एक सिंपल सा पीएचपी का कोड है जो कि प्रिंट करेगा आपके ब्राउज़र में गीकीसोस, एको गीकीसोस, ठीक है। ये बाद में देखेंगे कि ये कोड क्या करता है, एको क्या करता है, जैसे चीज़ें बाद में देखेंगे। फिलहाल ये स्ट्रक्चर है एक बेसिक सा पीएचपी का, ओके। इसके अलावा आप पीएचपी को एचटीएमएल के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एचटीएमएल का ये कोड है हमारा, और यहाँ से इसी में, यानी कि इसी एचटीएमएल पेज में ही हम लोगों ने पीएचपी का कोड भी लिखा हुआ है, और आप इसको सेव करेंगे डॉट पीएचपी एक्सटेंशन के साथ, यानी कि जो भी फाइल नेम होगा आपका उसके साथ डॉट पीएचपी का फाइल बनाकर आप इसको सेव करेंगे। तो इसमें जो हमारा ये जो है, ये हमारा क्या है, पीएचपी का कोड है। तो इस तरीके से आप पीएचपी के कोड को एचटीएमएल के साथ भी लिख सकते हैं, कहीं भी पूरे पेज में कहीं भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस होगा ये कि जब रीड करेगा, ये वन लाइन बाय लाइन जब रीड करेगा, जब यहाँ रीड करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये जो है हमारा ओपनिंग मार्कअप है, यानी कि पीएचपी का ओपनिंग टैग है। तो ये जो कोड होगा बिटवीन दीज टू टैग्स, जो कोड होगा ये कोड हमारा पीएचपी का कोड होगा, और ये सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होगा, क्लियर है। अब एक पीएचपी के पेज में, आप एचटीएमएल का कोड लिख सकते हैं, सीएसएस का कोड लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीएचपी के फाइल में सिर्फ पीएचपी का ही कोड रहेगा, ऐसा नहीं है। पीएचपी के फाइल में आप एचटीएमएल का, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, एचटीएमएल का लिख सकते हैं, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का भी आप कोड लिख सकते हैं, ओके। बस यही है, सिंपल से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीएचपी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।